यस डियर स्टूडेंट, आज हम आपकी हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 11 जीवों पर दया करो पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है? जीव क्या होते हैं? एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, एनिमल्स जो है, पशु पक्षी, उन सभी को हम जीव कहते हैं। उन पर दया करो, हमें उन पर दया करनी चाहिए, ठीक है। एक दिन रवि के पिता 4 खरगोश लाए। रवि एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है आपकी तरह, तो उसके पिताजी 4 खरगोश लेकर आए, ठीक है। खरगोशों को देखकर रवि बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न का मतलब खुश हुआ। वह दिन भर उनके साथ खेलता रहता। एक दिन रवि अपने सहपाठियों से बोला, सहपाठियों का मतलब साथ पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, अपने सहपाठियों से बोला, क्या बोला? मेरे पिताजी 4 खरगोश लाए हैं, तुम सब मेरे घर चलकर उन्हें देखो, वे बहुत सुंदर हैं। तो क्योंकि रवि बहुत खुश था, और तो उसने अपने जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे थे उनको भी कहा कि मेरे पापा जो हैं, मेरे फादर जो हैं, वो 4 खरगोश लाए हैं, और आप मेरे घर आओ और उनको देखो, वो बहुत सुंदर हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? सीमा, अमर, मदन आदि बहुत से बच्चे रवि के घर गए। तो सभी बच्चे रवि के घर खरगोश देखने के लिए गए। ओके, अब उसके बाद देखो, सभी बच्चे खरगोशों के साथ खेलने लगे, ठीक है। खरगोश इधर उधर उछल रहे थे, बच्चे उन्हें पकड़ रहे थे, उन्हें खरगोशों के साथ खेलने में बहुत आनंद आ रहा था। तो जो बच्चे उनके घर गए तो क्या किया और बच्चों ने, वो खरगोशों के साथ खेलने लगे, और खरगोश इधर उधर उछल रहे थे और बच्चे उनके पीछे भाग रहे थे, उन्हें पकड़ रहे थे, और उनको जो है खरगोशों के साथ खेलने में बहुत ही मजा आ रहा था, ठीक है। सीमा एक खरगोश को पकड़ना चाहती थी। खरगोश हर बार उछल कर दूर भाग जाता। अब सीमा जो एक लड़की थी, यह आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, तो सीमा जो एक लड़की थी वो क्या है, खरगोश के पीछे भाग रही थी और वो खरगोश को पकड़ना चाहती थी, लेकिन खरगोश हर बार क्या था, उछल जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पर फिर से बच्चे जो हैं खेल रहे हैं खरगोशों के साथ। अब आगे देखो, सीमा ने कई बार प्रयास किया, मतलब क्या प्रयास किया उसने, क्या कोशिश की, प्रयास करना, कोशिश करना, उसको पकड़ने की कोशिश की, खरगोश को पकड़ने की कोशिश की। अंत में उसे खरगोश पर बहुत गुस्सा आया, ठीक है। लेकिन खरगोश तो बहुत तेजी से उछलता है, भागता है, आपको पता है उसकी स्पीड बहुत होती है, वो भागता बहुत तेजी से है। अंत का मतलब लास्ट में, आखिर में उसको क्या हुआ, खरगोश के ऊपर गुस्सा आ गया, क्योंकि वो पकड़ना चाहती थी और वो उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और खरगोश को दे मारा। मतलब जब वो उसे पकड़ना चाहती थी लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था, तो सीमा को गुस्सा आ गया, उसने एक पत्थर उठाया और खरगोश को दे मारा। अब जब खरगोश को पत्थर लगा तो क्या हुआ, वह दर्द से तड़प उठा, यानी उसे दर्द हुआ, नेचुरल है, उसे दर्द तो होगा ही। उसके बाद देखो, रवि का बड़ा भाई अमन वहीं खड़ा था। अब देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई देगा, ये जो है ये लड़की है सीमा, ठीक है, और यहाँ पर कौन खड़ा है, सीमा जो रवि का भाई है अमन, वो खड़ा है, ठीक है, वो देखता है। तो रवि का बड़ा भाई अमन वहीं खड़ा था, उसे बहुत दुख हुआ। कब दुख हुआ? जब उसने, सीमा ने खरगोश को पत्थर मारा और उसे चोट लगी। उसने सीमा को डांटा, फिर उसने सीमा को डांटा, अभी तुमने क्यों पत्थर मारा। सीमा रोने लगी। अब क्या हुआ, सीमा रोने लग गई। उसे रोता देखकर अमन उसे प्यार से समझाने लगा, सीमा बहन, हमें पशु पक्षियों को नहीं सताना चाहिए, हमें पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, हमें इनकी देखभाल और रक्षा करनी चाहिए,
ठीक है, हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए बल्कि इनकी संभाल करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, ये हमारे मित्र हैं। सीमा बोली, भैया मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं आप कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और सभी बच्चे बहुत खुश हुए। ये देखो पिक्चर के अंदर ये खरगोश जो है और साथ में बच्चे हैं, खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। तो इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें जो जीव जंतुओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए, ये हमारी हमारे बहुत मदद करते हैं, ठीक है, और हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि इनको सताना नहीं चाहिए, इन्हें तंग नहीं करना चाहिए। ओके, अब हम आगे इसका करेंगे बुक वर्क। सबसे पहले क्या है आपके पास, शब्द अर्थ, सहपाठी जो कक्षा में साथ पढ़ते हैं, ठीक है, आनंद मजा, प्रयास कोशिश करना, रक्षा बचाव करना, ठीक है, प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन आंसर। देखो, रवि के घर कौन कौन गया, रवि के घर कौन कौन गया था, उसके सभी दोस्त गए थे, सीमा, अमर, मदन और बहुत से बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है, रवि के बड़े भाई का नाम क्या था, रवि के बड़े भाई का नाम क्या था, अमन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, रवि के पिताजी क्या लाए थे, रवि के पिताजी 4 खरगोश लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा ने खरगोश को पत्थर क्यों मारा, खरगोश सीमा की पकड़ में नहीं आ रहा था, इसलिए सीमा ने खरगोश को पत्थर मारा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन ने सीमा को क्या समझाया, अमन जो रवि का बड़ा भाई था, जब सीमा उसको पत्थर मारती है खरगोश को, तो अमन जो है उसने सीमा को क्या समझाया, तो वो कहता है कि हमें पशु पक्षियों को नहीं सताना चाहिए, ये हमारे मित्र हैं, ठीक है, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। आगे देखो, अब ये आ गया हमारे पास किसने किससे कहा, जो ये सेंटेंसेस है हमें इनमें से ये बताना है कि ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है, ये किसने कहा था और किससे कहा था। तुम सब मेरे घर चल कर उन्हें देखो, तो ये बात किसने कही थी, रवि ने कही थी, और अपने सहपाठियों से यानी क्लास में पढ़ने वाले, कक्षा में साथ पढ़ने वाले अपने मित्रों से कहा था। तो हम क्या लिखेंगे, रवि ने अपने सहपाठियों से कहा था, ठीक है, ये हमारे मित्र हैं। ये बात कब कही थी और किसने कही थी, ये बात रवि के बड़े भाई अमन ने सीमा को समझाते हुए कहा था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अमन ने सीमा से कहा, मुझसे गलती हो गई, जब उसे सीमा को ये बात समझ आ गई थी कि हमें पशु जो जीव जंतु है उन्हें नहीं सताना चाहिए, तो ये बात सीमा ने अमन से कही थी, तो सीमा ने अमन से कहा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास ये कुछ जो हमारे पास फिलअप्स दिए हैं, और यहां से हमें छांट कर लिखना है, ये पहले 3 खरगोश है, ठीक है, ये देखेंगे कि हमें कहां पर क्या आएगा, खरगोश से रिलेटेड वर्ड्स दिए हैं। नंबर 1 है, डैश इधर उधर उछल रहे थे, कौन उछल रहे थे, खरगोश इधर उधर उछल रहे थे, बच्चे डैश के साथ खेलने लगे, खरगोशों के साथ, 4 खरगोश थे ना, तो 4 खरगोश को हम क्या लिखेंगे, खरगोशों, खरगोशों के साथ खेलने लगे। नेक्स्ट है, सीमा एक खरगोश को पकड़ रही थी, हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहां पर क्या है, जीवों जीव जीव, अब हमने फिर बताना है कि कहां पर क्या आएगा, धरती पर अनेक जीव रहते हैं, हमें जीवों, अब बहुवचन आ गया, हमें जीवों को तंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगला देखो, अब यहां पर क्या आएगा, ये फिर आ गया बच्चों बच्चा बच्चे, बच्चा खेल रहा है, रहा है, आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, तो उसको उस हिसाब से आपको ये फील करना पड़ेगा, बच्चा खेल रहा है, एक खेल रहा है तो बच्चा आएगा, डैश खरगोश पकड़ रहे थे यानी अब बहुवचन आ गया, तो बच्चे आएगा, बच्चे खरगोश पकड़ रहे थे, डैश को खेलना चाहिए, बच्चों को खेलना चाहिए, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास मिलान कीजिए, देखो ये है क्या, विपरीत शब्द है, दिन, दिन का विपरीत क्या है, रात, प्रसन्न, इसका विपरीत क्या है, अप्रसन्न, सुंदर, सुंदर का विपरीत क्या है, असुंदर,
विपरीत आपको बताया ना पहले, आपने पहले भी चैप्टर्स में किया, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। जैसे जैसे ये सफेद है, सफेद का उल्टा क्या होगा? काला। ठीक है, इस तरह से दिन का उल्टा क्या होगा? रात। प्रसन्न का मतलब क्या होगा? अप्रसन्न, यानी प्रसन्न का मतलब खुश, और अप्रसन्न का मतलब अखुश, यानी खुश ना होना, उदास होना। सुंदर का मतलब आपको पता ही है सुंदर, और इसका उल्टा क्या होगा? असुंदर। दुख, दुख का उल्टा क्या होगा? सुख। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब ये देखो, आपके पास ये दो वर्ड दिए हैं, कौन कौन से, ये सॉरी व्यंजन दिए हैं, गै और घै। गै गमला वाला गै है, ये घै घड़ी वाला घै है। तो यहां पर क्या आएगा? खरगोश, खरगोश। नेक्स्ट क्या है? घेरे, घर। फिर क्या है? घेड़ा, घड़ा। गैलैती, गलती। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पर क्या दिया आपको, दै और धै। इन दोनों में से आपको देखना है कि क्या आएगा। ये क्या है? धनवान, धनवान। फिर द है दरवाजा। फिर क्या है? दर्द। फिर क्या है? धर्म। ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट देखो, मेरे पिताजी 4 खरगोश लाए हैं। हैं पर क्या आएगी? बिंदी आएगी, क्योंकि चार जब भी बहुवचन होता है। अब आपको यहां पर ऑप्शन दिया है, एक तो बिना बिंदी वाला है और एक बिंदी लगाकर है, तो आप इन दोनों में से आपको छांटना है। ठीक है, तो ये क्या है? बिंदी वाला है, तो लगाते हैं हम जब बहुवचन, जब ज्यादा चीजों की बात करते हैं तब हम बिंदी वाला है लगाते हैं, और जब हम एक वचन की बात करते हैं, यानी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करते हैं हम, तो हम यहां पर बिना बिंदी वाला है लगाते हैं। ठीक है, इसमें देखो, वे बहुत सुंदर हैं। वे कौन? वो 4 खरगोश हैं। अब बिंदी आ गई। सीमा खरगोश पकड़ना चाहती है, वो एक खरगोश पकड़ना चाहती थी। ठीक है, तो है, बिंदी नहीं, और सीमा भी एक ही है। रवि का भाई वही खड़ा है, बिना बिंदी का, क्योंकि एक ही है। ये हमारे मित्र हैं। अब बिंदी वाला है आएगा, क्योंकि ये आ गया। ठीक है, बहुवचन की बात हो रही है। ठीक, तो ये आपका चैप्टर हो गया। अब ये देखो क्या है इसके अंदर, पार्ट से आगे। बेटा ये आपकी पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन वैसे आप कर लेना। 4 संख्या से बने शब्द बोलिए और समझिए। 4 से क्या होगा? 24, 44, 74, 94, 34, 54, 84 और 14। 4 देखो, 24 क्या होगा? दिस, ये 24 को आप हिंदी में क्या बोलते हो? 24। 44 क्या होता है? 44, ये होता है 44। 74 क्या होता है? 74 को बोलते हैं 74। 94, 94, 94 को हम बोलते हैं 94। अब क्या है? 34, 34 को क्या बोलते हैं? 34। 54, 54 क्या है? 54 को बोलते हैं 54। अब 84, 84 क्या होता है? 84। 14 क्या होता है? 14। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। चित्र देखकर 4 पालतू और 4 जंगली जानवरों के नाम लिखिए। आपके पास ये जो चित्र पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने क्या करना है? इनको देखकर आपने यहाँ पर जो पालतू जानवर कौन से होते हैं, जो घर में जिनको हम खुद पालते हैं, ठीक है, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है, और जंगल में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जंगली जानवर कहते हैं। पालतू जानवर देखो, बकरी, गाय। ये देखो पहला क्या है? शेर। शेर क्या है? जंगली जानवर। फिर क्या है? बकरी। बकरी हमने यहाँ लिख दिया पालतू जानवर। फिर क्या है? गाय। गाय भी पालतू जानवर है, ये दूध देती है। फिर क्या है? लोमड़ी। लोमड़ी क्या है? जंगली जानवर। फिर आ गया हिरन। हिरन भी क्या है? जंगली जानवर है। फिर क्या है? गधा। गधा पालतू जानवर है, इसको भार ढोने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है? गेंडा। ये क्या है? जंगली जानवर, यहाँ लिख दिया। और नेक्स्ट क्या है? घोड़ा। घोड़ा भी जो है पालतू जानवर है, ये अस्तबल में रखा जाता है, इनको हमने पहले वो चैप्टर पढ़ा था ना, तो ये भी क्या है? घोड़ा पालतू जानवर है। ओके, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है हिंदी का कंप्लीट हो गया। और आपको नीचे और दिया हुआ है कि आपने दर्द से तड़प रहे किसी पशु या पक्षी की मदद की है, यदि हाँ तो उसे कक्षा में सुनाइए। तो आपको जो भी दर्द से तड़पता हुआ पशु या पक्षी कहीं मिलता है तो उसकी सहायता, उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं किया है तो किया करो, और अगर कभी किया है तो
तो वो जो है आपने अपनी क्लास में बताना है, जब भी आप आओगे तो ये चीज आपने, या आप जो है अपनी ऑडियो बनाकर भेज दो, ठीक है, ऑडियो बनाकर आप भेज सकते हो कि आपने उस पशु या पक्षी की किस तरह से मदद की थी जो तड़प रहा था दर्द से, ठीक है, ओके।